हेलो एवरीवन, सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर वीकली करंट अफेयर्स क्विज सेशन, जहां पर हम इसी तरीके से हर सैटरडे आपके साथ जुड़ते हैं ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स हैं पूरे हफ्ते के, हम उन्हें एक साथ जो है क्विज की फॉर्म में एमसीक्यू वाइज आपके साथ डिस्कस कर लें। सो दैट कि अगर आप किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, आने वाले टाइम में देने वाले हैं, चाहे मैं बात करूँ बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, जो या बाकी हमारे स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं जिसमें से आपको करंट अफेयर्स के सेगमेंट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो रिटन एग्जाम में या इंटरव्यू में, तो वहाँ पर आपको हेल्प मिले। ठीक है, इसलिए हमारा मंडे टू फ्राइडे तो डिटेल में ये आता ही है करंट अफेयर्स का सेशन। ठीक है, और सैटरडे को हम क्विज की फॉर्म में ये लेके आते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 15 क्वेश्चंस मैं भी आपके साथ कवर करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो आपको क्या करना है, अभी पूरा इसे सबसे पहले देखना है, और इन द एंड मेरे को आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट रहे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई भी मतलब क्वांट रीजनिंग इंग्लिश सब्जेक्ट की भी अगर आपको वीडियोस देखनी है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, क्योंकि यहां पर हम आपको जो है उनकी भी वीडियोस भी प्रोवाइड लगातार बेसिस पर करते हैं, आपको प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। तो पहला क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में ये अनाउंस किया है कि जो जर्नलिस्ट उनके वहाँ काम कर रहे हैं उनकी स्टेट में, उनको वो कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि देखिए, जर्नलिस्ट का काम होता है जगह जगह ट्रैवल करके जो है न्यूज स्टोरीज लेके आना, तो ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि वो लोगों के संपर्क में आते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए उस स्टेट के रहने वाले जर्नलिस्ट को कोविड-19 की वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने की बात किस स्टेट गवर्नमेंट ने कही है? क्या वो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है या उत्तराखंड है? तो उसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, यानी उत्तराखंड। आगे अगर बात करें, भारत जो अपना सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बना रहे हैं 100 मेगावाट, जिसका पावर जनरेशन कैपेसिटी रहेगी, वो किस स्टेट के अंदर सेटअप किया जा रहा है? सो इन विच स्टेट इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विद 100 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी इज बीइंग सेटअप? वो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटका है या तमिलनाडु? इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यानी तेलंगाना के अंदर। आगे अगर बात करें तो ये न्यूज देखिए काफी अभी मीडिया में आई थी कि किस देश के फॉर्मर क्राउन प्रिंस रहे, उनको रिपोर्टेडली जो है हाउस अरेस्ट में रखा गया है। ठीक है, अगर बात चार ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो जॉर्डन, ओमान, कतर, बहरीन। तो यहाँ देखिए चारों ही कंट्रीज में आपको पता है डेमोक्रेसी ने, यही एक तरीके से राजशाही सिस्टम है यहाँ पे। तो किस देश के फॉर्मर क्राउन प्रिंस रहे उनको हाउस अरेस्ट किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है देखिए वो है ए ऑप्शन, यानी जॉर्डन। तो जॉर्डन के क्राउन प्रिंस जो थे उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया। ठीक है, आगे अगर बात करें तो हाल ही में जो देखिए इसराइल में इलेक्शंस हुए थे, तो एक बार फिर से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक तरीके से हंग असेंबली बनी है, मतलब किसी को भी फुल मेजोरिटी नहीं मिली या कोई भी सरकार बनाने की वहाँ पे पोजीशन में नहीं है। तो फिर जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उन्होंने किसे नॉमिनेट किया है कि वो पहले गवर्नमेंट बनाए? ठीक है, आफ्टर इनकंक्लूसिव इलेक्शन रिजल्ट्स। तो क्या वो यायर लैपिड है, नफ्ताली बेनेट है, बेंजामिन नेतन्याहू है या गिडियन सार है? देखिए चार ऑप्शन है, आपको पता है बेंजामिन नेतन्याहू इससे पहले काफी टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इसराइल के, और इस बार भी देखिए उनको काफी सीट्स मिली है। तो एक बार प्रेसिडेंट ने एक बार फिर से उन्हें नॉमिनेट किया है कि वो एक बार गवर्नमेंट बनाए और फिर उन्हें पार्लियामेंट के अंदर जो है वहां पे अपनी मेजोरिटी को प्रूव करना होगा, और इसीलिए जो है उन्होंने जो दो और पार्टीज के मेंबर, एक तो नफ्ताली बेनेट और गिडियन सार, उनसे हेल्प मांगी है कि वो इनको सपोर्ट करें। और जो मेन इनके अपोजिशन लीडर है वो कौन है, यार लैपिड है। इनको भी देखिए काफी सीट्स मिली है, लेकिन इनके पास भी आपको मैंने बताया किसी के पास भी फुल मेजोरिटी नहीं है गवर्नमेंट फॉर्म करने की। तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है नफ्ताली बेनेट और गिडियन सार के साथ मिलकर जो है गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर अभी इनको देखिए नॉमिनेट किया गया, आगे देखते हैं अगर मेजोरिटी प्रूव कर पाते तो ही इनकी सरकार कंटिन्यू करेगी, नहीं तो एक बार फिर से आने वाले टाइम में आपको इसराइल में इलेक्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे अगर बात करें हाल ही में महाराष्ट्र और दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है नाइट कर्फ्यू इम्पोज किया, इसके अलावा भी देखिए काफी स्टेट्स ने किया है। अगर पर्टिकुलरली इनकी बात करें तो ये कब तक रहेगा, क्या 15th of April, 17th of April, 25th of April या 30th of April? इसका जो आंसर है वो 30th of April तक जो है महाराष्ट्र और दिल्ली गवर्नमेंट ने नाइट कर्फ्यू इम्पोज किया। देखिए जिन जिन स्टेट्स ने या यूटीज ने इसे इम्पोज किया उनके टाइमिंग्स अलग अलग है, खैर मैं उस पर नहीं जाऊँगा। ठीक है, वो आप देख सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, बट 30th of April तक इन दोनों स्टेट्स ने जो है अनाउंस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूपी के अंदर पर्टिकुलरली नोएडा और गाजियाबाद के अंदर जो है 17th of April तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया। ठीक है, तो अलग अलग डेट्स है, अलग अलग टाइमिंग्स है। आगे अगर बात करें हाल ही में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी रिव्यू था इस फाइनेंशियल ईयर का, उसके अंदर जो रियल जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन उन्होंने कितना किया है 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए, 8.6% किया है, 10.5%, 11.5% या 12.5%? इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यानी 10.5%। लेकिन अगेन देखिए डिपेंड करेगा कोविड की सिचुएशन पर, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं और अब धीरे धीरे आप देखेंगे फिर से, चाहे अभी नाइट कर्फ्यू से स्टार्ट किया, अगर हो सकता है जैसे महाराष्ट्र के अंदर तो और भी काफी रिस्ट्रिक्शंस है, वीकेंड लॉकडाउन है। ठीक है ना, सैटरडे संडे पर, इसके अलावा भी
सेक्शन 144 इम्पोज है, यानी 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो ऑब्वियस बात इन चीजों का इम्पैक्ट जो इकोनॉमी पर डेफिनेटली पड़ता है। ठीक है, तो अभी सिर्फ महाराष्ट्र ने ज्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में और स्टेट्स भी ले। तो अभी तो प्रोजेक्शन जो है वो 10.5% है वो, लेकिन आगे वाले सिचुएशन पर बहुत ज्यादा ही डिपेंड करेगी। ठीक है, इसी तरीके से आईएमएफ की भी प्रोजेक्शन थी, इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आगे पूछूंगा। नेक्स्ट है, व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व, तो वर्ल्ड हेल्थ डे हम किस दिन ऑब्जर्व करते हैं, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल या 8 अप्रैल? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यानी 7 अप्रैल को हम हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व करते हैं। इस बार तो अगेन कोविड को लेकर काफी ज्यादा मेन फोकस इस पर था। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में जो फोर्ब्स ने बिलियनियर्स की लिस्ट रिलीज की है 2021 की, उसमें सबसे ऊपर टॉप पोजीशन पे कौन है जिसकी नेटवर्थ बताई गई है 177 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ ही पहले नंबर पे है इस लिस्ट में फोर्ब्स की? तो क्या वो जेफ बेजोस है, आपको पता है फाउंडर और चीफ है अमेजन के, एलन मस्क जो कि हेड है अगर बात करें टेस्ला कंपनी, और भी इनके काफी सारे, स्पेसएक्स भी है इनका, ठीक है ना, तो एलन मस्क, बेरनार्ड अर्नोट या मुकेश अंबानी? तो बात देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए ऑप्शन है, जेफ बेजोस जो है एक बार फिर से जो है फोर्ब्स की बिलियनर लिस्ट में जो है टॉप नंबर पे है। दूसरे नंबर पे एलन मस्क है, जो कि मैंने आपको बताया एक तो टेस्ला कंपनी इनकी है और साथ ही साथ ये स्पेसएक्स कंपनी के भी को भी लीड करते हैं। ठीक है, अगर जहां तक बात है मुकेश अंबानी की, तो देखिए इंडिया के अंदर पहले नंबर पर है, लेकिन वैसे जो इनका रैंक पीछे, और तीसरे नंबर पे कौन है, बेरनार्ड एर्नोट। अगर टॉप से स्टार्ट करें तो पहले नंबर पे फोर्ब्स की बिलियनर्स लिस्ट में ऑल ओवर वर्ल्ड जेफ बेजोस, दूसरे पे एलन मस्क और तीसरे पे बेरनार्ड एर्नोट। अगर इंडिया में बात करें परस्पेक्टिव से तो मुकेश अंबानी पहले नंबर पर है। हाल ही में देखिए गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, आपको बताने किने अपॉइंट किया है एज द चेयरमैन ऑफ एएआई, यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? क्या वो अरुण कुमार है, संजीव कुमार है, अरविंद सिंह है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर जो है देखिए बी ऑप्शन है, संजीव कुमार। ये महाराष्ट्र कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे और इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट में भी काफी टाइम काम किया है, और अभी इन्हें अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इससे पहले अरविंद सिंह थे जो काम कर, जो चेयरमैन थे इसके। ठीक है, तो लेकिन अभी जो है किन अपॉइंट किया गया, संजीव कुमार को। आगे अगर बात करें, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 14 रोड प्रोजेक्ट्स के लिए 670 करोड़ रुपीज़ जो है वो अप्रूव किए हैं। आपको बताने किस स्टेट के अंदर इन रोड प्रोजेक्ट्स को बनाया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा? क्या वो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है या उड़ीसा? तो 14 रोड प्रोजेक्ट्स जिसकी जो एक्सपेक्टेड एस्टिमेशन कॉस्ट है वो 670 करोड़ रुपीज़ है, वो देखिए झारखंड के अंदर जो है इन्हें अप्रूव किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, आगे अगर बात करें, आईएमएफ ने हाल ही में, जैसे मैंने आपको अभी एक तो आरबीआई का बताया था प्रिडिक्शन 10.5% का, आईएमएफ का प्रिडिक्शन कितना है भारत की ग्रोथ रेट का? तो चार ऑप्शन आपके सामने, इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, यानी 12.5%। लेकिन अगेन मैंने आपको कहा ये डिपेंड करेगा आने वाली सिचुएशन जो राइज हो रही है उस पर। ठीक है, जैसे बांग्लादेश ने अगर देखेंगे जो हमारे साथी नेबरिंग कंट्री, उसने काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स को अडॉप्ट किया है, तो आने वाले टाइम में भारत कैसे करता है टैकल वो देखना होगा। ठीक है, तो 12.5% इसका करेक्ट है। नेक्स्ट अगर बात करें, तो किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने हाल ही में डिसाइड किया है कि वो एनुअली पब्लिश करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, यानी वित्तीय समावेशन, इसका मतलब होता है यानी कितने लोग जो है वो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं? ठीक है ना, खासकर रूरल एरियाज के अंदर देखा जाता है बहुत सारे लोग अभी भी जिनका कोई ना ही है ना, उनका कोई बैंक अकाउंट है, तो उन्हें जोड़ने के लिए, ठीक है ना, इस ड्राइव को चलाया गया है काफी टाइम से फाइनेंशियल इंक्लूजन का, जिसमें से आपको पता है जनधन योजना है वो भी इसमें से एक इनिशिएटिव है, जहां पे जीरो बैलेंस पर जो है आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो ये कौन रिलीज करेगा इंडेक्स? आरबीआई रिलीज करेगा, ठीक है ना, बाकी भी एसबीआई है, नाबार्ड है, सिडबी, लेकिन देखिए इस तरीके के जो पूरे इंडिया लेवल पे इंडेक्स जो है वो खासकर फाइनेंशियल से रिलेटेड या तो फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलीज करते हैं या आरबीआई रिलीज कर सकते हैं, तो इसे आरबीआई रिलीज करेगा एनुअली। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किसे सेलेक्ट किया गया है छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड के लिए? तो छत्तीसगढ़ का वीरनी अवार्ड इनमें से किसे दिया जाएगा? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यानी दूती चंद। तो दूती चंद को जो है इस बार का छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ वर्चुअल समिट किया है 9 अप्रैल 2021 को? ठीक है, कल के दिन ये हुआ था। ठीक है, तो किस देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ? स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड या नीदरलैंड्स? इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, यानी नीदरलैंड्स के जो है प्राइम मिनिस्टर के साथ पीएम मोदी ने वर्चुअल समिट किया था। ठीक है, तो सब नोट डाउन करें। और आखिरी क्वेश्चन आज का हमारा है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी हाल ही में किस देश के डिफेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग करी है?
रशिया, यूएस, कजाकिस्तान या किर्गिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, कजाकिस्तान। तो आपको ये थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि अभी कजाकिस्तान लिखने से कुछ टाइम पहले यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो आए हुए थे भारत में, तो उनसे भी डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी। रशिया की अगर बात करें तो हाल ही में अभी फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे भारत के 2 दिन के दौरे पर, जिसमें वो एस जयशंकर से मिले। तो थोड़ा सा आपको इनका ध्यान देना है कि कौन से मतलब फॉरेन डिग्निटरीज जो है वो भारत आ रहे हैं या कौन से भारत के मिनिस्टर जो है वो फॉरेन जा रहे हैं। तो अभी कजाकिस्तान के साथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की हाल ही में मीटिंग हुई है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस। कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा कमेंट करके। इसके अलावा हमारी वेबसाइट takshyalearning.com जरूर विजिट कर सकते हैं अगर आप बैंकिंग, SSC, रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको वहाँ कोर्स मिल जाएगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, ये सब इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स। We'll be right back.